सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी क्लास 10th में हूँ, तो गाइस आज मैं आपको अपना रूम बाबा दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपना रूम किस तरह से बनाया है। तो गाइस ये रहा मेरा एक वाइट बोर्ड जिस पर मैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ, और ये मेरे साइंस के सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं, और ये पूरा इस ईयर के डिलीटेड पोर्शन है ईच सब्जेक्ट। और इधर कुछ फॉर्मूलास हैं, और ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ और भी रखा हुआ है, जैसे कि गाइस ये रहा हमारा एक छपरी सेटअप। मेरा मतलब एक क्या होता हूँ गाइस, बस इतना है कि जब भी मूड ख़राब होता है तो मूड सही कर देता है ये। बाकी फिर देखते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं ये रहा एक कीबोर्ड। आप सोच रहे होंगे ये वायरलेस कीबोर्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये था तो एक वायर्ड कीबोर्ड, बट मैंने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया कि इसको वायरलेस बना दिया है और अब ये बिल्कुल काम नहीं करता। तो आप सोच रहे होंगे अगर ये काम नहीं करता तो आप इस मैंने इसको यहाँ पे रखा क्यों है। तो मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ अपना इन्वेंशन दिखाने के लिए इसको यहाँ रखा था कि मैं कितने खतरनाक इन्वेंशन करता हूँ। जैसे कि ये रहा एक बोर्ड, पावर बोर्ड, जो कि यहाँ से लगा हुआ है। जब मैं लैंप वगैरह यूज़ करता हूँ तो इसका यूज़ करता हूँ। अभी लैंप यहाँ पे नहीं है, अभी दूसरे कमरे में रखा हुआ है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने अपने घर पे डिज़ाइन किया है बोतल काट के। अगर आप चाहें तो बिना पैसे बर्बाद किए ऐसे ही घर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये मेरी इंग्लिश की ऑल इन वन, एंड ये हिंदी की, और ये एक डिक्शनरी है, और एक ग्रामर की इंग्लिश। और कुछ खास नहीं है दिखाने लायक। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे एक वायर्ड ईयरफोन। गाइस अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं एक ब्लूटूथ वाली ईयरफोन ले सकूं, बट हाँ सोचा है जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ले लेंगे। अभी तक इतना ही बहुत है। सो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।